सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। सो गाइस यार, आ गया हूँ एक और नई ट्रेंडिंग वीडियो के साथ। एंड जो आपने प्रीवियम वीडियो देखा, सेम तरीके के वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आपको दो से तीन ऐप की जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले अलाइट मोशन होना चाहिए, एंड उसके बाद आपको जो है एक पिक्स आर्ट ऐप है उसको डाउनलोड कर देना, ठीक है। दो ही ऐप जरूरत पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको अगर इमेज वगैरह डाउनलोड करना तो पिंटरेस्ट है, अगर आप अपने इमेज वे बना रहे हो तो बेस्ट है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मटेरियल्स डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ना, मतलब कि ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, आपको मैं एक बार डाउनलोड करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस टाइप से सर्च लिंक दूंगा, ठीक है। सर्च लिंक होगा, देन सबसे पहले नंबर पर वेबसाइट आ जाएगी, ये आर्टस्टेच वर्ल्ड करके। आपने इस पर टैप करना, एंड फर्स्ट तरीका जो यहाँ पे आपको थंबनेल दिख रहा है, वहाँ थंबनेल देख के इजिली से कर सकते हो। एंड उसके बाद एक और तरीका, आपको सर्च बटन पे जाना है और नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरसी करके कुछ सर्च नंबर होगा, ठीक है। RC एंड यहाँ पे 667 मैं एग्जांपल के लिए सर्च मारता हूँ। एंड जैसे सर्च मारूंगा तो देख सकते हो सबसे टॉप पे आ गया RC 667, ये देख सकते हो ये वाला पोस्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे देख सकते हो 667 एक और है, और भी बहुत सारे होंगे, तो आप इजीली से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको नीचे RC करके नंबर होगा उसको देख के, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने इमेजेस वगैरह को डाउनलोड करना है, एंड पिक्स आर्ट को ओपन कर लेना। देन आपको प्लस वाला आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे प्लस वाला आइकन होगा। देन आपको मेक अ कॉल एज के ऑप्शन पे टैप करना, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। देन आपको जो भी फोटोज होगा, 3 से 4-5 जो भी जितने भी आप रखना चाहते हो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो हम 3 फोटो वाला बनाते हैं, तो एक ये सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर दे, 1 2, तो ये पहले से क्लॉज सेट हो गया। ये 3 फोटो सिलेक्ट किया, देन आपको नेक्स्ट पे टैप करना, फाइनली कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब आपको नीचे सबसे पहले रेशो पे टैप करना, एंड रेशो पे जाने के बाद गाइज आपको क्या करना, यहाँ पे देख सकते हो स्टोरी वाला ऑप्शन, स्टोरी वाला ऑप्शन को सेट कर लेना। देन बॉर्डर का ऑप्शन, सो बॉर्डर के ऑप्शन में जाके इसको ऑफ कर लेंगे। एंड ऑफ करने के बाद अब आपको लेआउट पे चले जाना, और लेआउट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, देख सकते हो एक ये होगा, एक ये होगा, एंड मैंने जो ये वाला यूज़ किया। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं गाइज, और यहाँ पे इजीली से आप यूज़ वगैरह कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के ऑप्शन यूज़ करें एंड डिफरेंट टाइप के बना सकते हो। तो मैंने जो यहाँ पे ना ये वाला बना के बताया हुआ, एक सेकंड, ये वाला मैंने बना के बताया हुआ, मतलब कि फ्री वे में देख लिया हुआ। अब मैं आपको ना ये वाला पे सेट करके बताता हूँ, ठीक है, कैसे करना। आपने फोटो पे टैप करना, आपको पहले फ्रेम सेट करना, देन फोटो पे टैप करके इस टाइप से इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोटो पे टैप करते हैं, एडजस्ट अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। एंड इस टाइप से एडजस्ट करें, उसके बाद पहले अगले वाले फोटो पे जाएं इस टाइप से, एंड इसको इतना कर सकते हो, ठीक है। फाइनली कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद अब आपको एरो के ऑप्शन पे टैप करना ऊपर, एंड इस टाइप से आ जाएगा। देन आपको सेव के ऑप्शन पे टैप करना, एंड यहाँ पे सेव एज JPG पे टैप करना, सेव पे टैप करना, फाइनली ये इमेज सेव हो जाएगा। अब आपको क्या करना, अलाइट मोशन को ओपन करना। सो अलाइट मोशन को ओपन करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। देन आपको अगर कोई और सॉन्ग पे बनाना तो पहले सॉन्ग को लेना पड़ेगा, एंड जहाँ पे भी आपका लिरिक्स खत्म होता है उस टाइप पे बीट मार्क लगाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इस वाले सॉन्ग, एक सॉन्ग लिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे लिरिक्स स्टार्ट होता है, एक लाइन यहाँ पे खत्म होता है तो बीट मार्क लगा दे, अगले वाला लाइन यहाँ पे खत्म होता है तो बीट मार्क लगा दे, जहाँ लाइन खत्म हो रहा है वहाँ पे बीट मार्क लगाना। बीट मार्क लगाना भी बिल्कुल ईजी है, ये जो देख सकते हो टाइम, जहाँ पे भी आपका बीट मार्क लगाना उस वाले पॉइंट पे आ जाना। एंड ये जो ये वाला दिख रहा ना गाइस, आपको इस पे टैप करना, फाइनली स्टेप से बीट मार्क्स लग जाएंगे, ठीक है। तो इस स्टेप से बीट मार्क लगा लें सॉन्ग सुन के, उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पे टैप करेंगे वीडियो के ऑप्शन में, एंड यहाँ पे जो भी इमेज आपने अभी एक्सपोर्ट किया था उस वाले इमेज को आपको सेलेक्ट करना, टॉप पे प्लस वाला आइकन, फाइनली इमेज आ जाएगा आपका इस स्टेप से। देन आपको एंडिंग में चले जाना, एंडिंग में जाने के बाद इस पे टैप करना इमेज पे, एंड इस वाले ऑप्शन से एंडिंग तक इमेज को लेना। अब आपको वापस से प्लस वाला आइकन पे टैप करना, एंड यहाँ पे आपको ये जो देख सकते हो रेक्टेंगल उसको सेलेक्ट करना, इस टाइप से उसको जूम कर लेना पूरे स्क्रीन में। देन आपको कलर के ऑप्शन में जाना, इसको ब्लैक कर लेना, ब्लैक करने के बाद एंडिंग में जाना, एंड इस वाले रेक्टेंगल को भी एंडिंग तक ले आना। उसके बाद आपको कैनवास पे टैप करना, एंड आपको यहाँ ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी के ऑप्शन में जाना, कॉन्ट्रास्ट पे जाना, ओवरले कर लेना, एंड ओवरले को कम करके आप इसको 50 या 60 या अबव रख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे 60 रखते हैं कुछ इतना। देन आपको प्लस वाले आइकन पे यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना, एंड देन ऐड इफेक्ट पे टैप करना, एंड यहाँ पे आपको सर्च मार लेना ब्लिंक, ठीक है। तो सिंपल से ब्लिंक इफेक्ट सर्च मारना, एंड यहाँ पे इस पे टैप करना स्टैंडर्ड सेटिंग पे, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर लें, ठीक है। तो 1.40 हर्ट्स रखेंगे, देन आपको फाइनली ये जो इफेक्ट क्रिएट हो गया कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको बैक जाना है, एंड इफेक्ट प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। सो इफेक्ट प्रोजेक्ट में आएंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये लेयर, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, सो इस पे टैप करना है, सेलेक्ट। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल लेयर करना है, पहले ये चारों लेयर को सेलेक्ट करना है, एंड डबल डबल पे टैप करना है, एंड कॉपी फोर लेयर, देन बैक जाना गाइस। बैक जाने के बाद आपको बिटमार्क वाले में आ जाना है, डबल डबल पे टैप करना एंड पेस्ट कर देना, फाइनली पेस्ट हो जाएगा। अगले वाले बिटमार्क पे जाना है, कुछ लास्ट वाले बिट मार्क पे, सॉरी
यहाँ पे लास्ट वाले पे आ गए। इन चारों को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है नीचे सबसे लास्ट वाला थर्ड वाला, सो उस पर टैप करना। फाइनली राइट साइड से सारे ऑप्शन सारे मतलब कि जो भी होगा एक्स्ट्रा पार्ट वो कट हो जाएगा। एंड सबसे ऊपर है ना वो एसडीआर प्रीसेट वाला, तो अगर इसको आप ऑफ करोगे तो कुछ इस टाइप से होगा, एंड ऑन करोगे तो ये इमेज पे आपको कुछ इस टाइप से डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो वाटर मार्क है, तो यहाँ पे आप एडिट पे जाके अपने चैनल का नाम या फिर जो भी आप लिखना चाहते हो ईजिली से लिख सकते हो। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं कुछ इतना। अब आपको लैरिस को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन पे टैप करना मीडिया के ऑप्शन में, एंड यहाँ पे ना एक मतलब कि ये वाला पीएनजी होगा, इसको आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इस टाइप से इसको नीचे की ओर सेट करना जितना भी आप रखना चाहते हो। सो हम इतना रख लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर एक हर्ट वाला पीएनजी लगेगा, सो प्लस वाला आइकन पे मीडिया के ऑप्शन में, एंड ये हर्ट वाला पीएनजी इसको आपको थोड़ा सा छोटा कर लेना। सो छोटा कर लेते कुछ इस टाइप से, एंड छोटा करने के बाद आपको क्या करना इसके ऊपर से इस टाइप से सेट कर लेना, एंड इसको जो है जो इसको रस्सी वगैरह आ रही है चट वगैरह उसको आपको बैकग्राउंड में भी कर सकते हो, ठीक है मैं बताता हूँ कैसे करना है। सो कुछ इतना, एंड इसको आप इसको होल्ड करके रखोगे इसको नीचे की ओर ले आओगे, फाइनली देख सो कुछ इस सबसे देखने को मिल जाएगा आपको। देन आपको इन दोनों को एंडिंग तक लाना, सो दोनों को सिलेक्ट करें एंड फर्स्ट वाला ऑप्शन नीचे ऑप्शन आएंगे, सो फर्स्ट वाला ऑप्शन पे टैप करोगे एंड ये जो एंडिंग तक आ जाएगा। अब आपको क्या करना स्टार्टिंग में आना, सो यहाँ पे हमारा लाइक स्टार्ट होता है, सो प्लस वाला आइकन पे टेक्स्ट पे जाना है एंड यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिख लेना। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो ये रहा हमारा टेक्स्ट, एंड ये जो भी फर्स्ट लेटर होगा वो हम कैपिटल कर लेंगे। एंड सबसे ऊपर चलते हैं, टिक के लेफ्ट में कलर का ऑप्शन है, सो वाइट ही रखेंगे एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस टाइप से, एंड यहाँ पे फॉन्ट के ऑप्शन में जाना, एंड ये वाला फॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉन्ट सेलेक्ट करें इस टाइप से, इसको सेंटर में करते हैं, एंड सेंटर में करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है नीचे की ओर ले आना इसको, फाइनली इसके अंदर सेट कर लेना। अब आपको क्या करना इसको एंडिंग तक ले आना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पर टैप करते हैं, इसको एंडिंग तक ले आते हैं। एंडिंग तक लाने के बाद जहाँ पे भी आपका मतलब कि बिटमार्क है वहाँ पे कट कर लेना। तो यहाँ पे इस टाइप से कट किया, यहाँ पे भी कट लगाया, अगले पे जगह कट लगाया, अगले पे गए कट लगाया, कुछ इस टाइप से आपको क्या करना कट लगा लेना। एंड कट लगाने के बाद अब आपको लैरिस को रिप्लेस करना, सो रिप्लेस करने के लिए आपको इस पर टैप करना एंड एडिट पे जाना एंड इस टाइप से इसको कट कर लेना, ठीक है। और ये जो इस सॉन्ग का लाइरिक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे तो मिल ही जाएगा। अब आपको क्या करना इस टाइप से इसको कॉपी कर लेना, एंड कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना यहाँ पे आकर रिप्लेस कर लेना। एंड अगर आपका कोई और सॉन्ग है तो आपको पता ही है कैसे करना, आपको बस सॉन्ग के एंड में मतलब सॉन्ग को सर्च मारना सॉन्ग का नाम को एंड एंड में लैरिक्स लगा देना, फाइनली आ जाएगा आपको क्रोम वगैरह पे जिस पे भी। तो इस टाइप से आपको क्या करना कॉपी वगैरह करके रिप्लेस करना है, एंड रिप्लेस करने के बाद गाइज आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको अब इफेक्ट लगाना, सो स्टार्टिंग वाले पे लगाते हैं, सो इस पे टैप करेंगे, एड इफेक्ट पे जाएंगे, एड इफेक्ट पे टैप करेंगे, एंड सबसे पहले हम थोड़ा सा स्पेस देंगे। सो यहाँ पे स्पेसिंग सर्च मारते हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट स्पेसिंग आ गया स्टैंडर्ड सेटिंग पे, एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। अब आप अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हो, लेटर में रखना है, लाइन में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस टाइप से मैंने लेटर में थोड़ा सा स्पेस दिया, देन आपको इफेक्ट पे जाना, एड इफेक्ट पे टैप करना, एंड यहाँ पे आपको सर्च मारना है फेड इन फेड आउट, ठीक है। तो फेड इन फेड आउट ये रहा स्टैंडर्ड सेटिंग पे, एंड यहाँ पे इसको क्या करना दोनों को सेम ही रहने देना, ठीक है। अब आपको क्या करना इस पे टैप करना इफेक्ट में, एंड इसके इफेक्ट को कॉपी करके सभी वाले लेयर्स पे जितने सारे भी यहाँ पे इमेज मतलब कि जो ऐड किया लैरिस उन सभी पे सिंपल से पेस्ट करते जाना, ठीक है। फाइनली पेस्ट कर लोगे एंड आपका जो है यहाँ पे वीडियो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा प्ले करके, तो कुछ इस टाइप से आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना एक्सपोर्ट करना, सेटिंग रेंज में आएगा, सो उस पर टैप करना, वीडियो के नीचे क्वालिटी है, सो क्वालिटी वगैरह डिसाइड करें, एक्सपोर्ट पे टैप करें, फाइनली एक्सपोर्टिंग भी लग जाएगा। इसी टाइप से वीडियो को बनाएं एंड इसी टाइप के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब।